कहाँ हो गया? बिल्कुल शांत पड़ गए आप लोग। मही मही वो तुम्हारा वो आज सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता है उनको? देखिए इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिंघाड़ा बालू साई का पार्टी इसलिए है कि हम आज का दिन नहीं भूलना चाहते। तो वीडियो देख के क्या पूछे, हम लोगों को भी ऐसे दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये नहीं कि गम में बिता रहे हैं, और मेहनत करना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सारे के सारे अच्छे होंगे। यार बीच में ना थोड़ा घर वाले आ गए थे तो वीडियोस बनना थोड़ा स्लो हो गया था। घर में तो जानते हो सब कोई काम हूँ, इधर उधर मम्मी मम्मी कैसे काम दे देती है। तो अब आज से कंटिन्यू रहेगा वीडियो हमारा, ठीक है ना। हर दिन मैं भी सोच रहा हूँ कि डेट भी आप लोगों को पता ही होगी कि अनाउंस हो गई है, ठीक है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट नहीं तो फिर भी उसका आधा पार्ट बता दिया करूँ ऐसे। इसके लिए है कि मतलब आप लोगों का भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि पेपर तो मुझे भी देना है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हमारा एज के ऊपर आता है कि मान लो पापा का बेटे का एज ये है, पिताजी का एज ये है, तो बताओ इतने साल बाद अगर रेशियो ये है तो उनका प्रेजेंट एज बताओ, रेशियो में अगर कुछ दिया हुआ वैल्यू, या अभी का एज ये है तो बाद का एज क्या होगा। तो जो प्रॉब्लम्स आती है हमारी एज प्रॉब्लम्स, तो स्टार्ट करते आइए। हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे। मान लो 2010 में एक ए है एक बी है, और 2010 में ए का जो एज है 2010 में वो 20 साल है, और बी का एज है 25 साल, ठीक है 2010 में, ठीक है ना। ठीक है, तो 20 से 25 का कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 2018 में 8 साल बाद कह दो, ए का एज हो जाता है 28 साल, तो बी ऐसा थोड़ी ना है 25 साल का ही रहेगा, बी का भी एज बढ़ेगा, तो बी का एज हो गया 33, 25 में 8 जोड़ोगे तो 5 30 और 3 33, तो अभी भी इनका डिफरेंस कितना है 5 का। तो मतलब ये डिफरेंस इक्वल होगा, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उस तरीके से ये भी बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ा उस तरीके से यहाँ बढ़ा, मतलब डिफरेंस यहाँ भी 5 का है, डिफरेंस यहाँ भी 5 का है। सिंपल कहने का मतलब लॉजिक ये है कि हर क्वेश्चन में अगर रेशियो अगर दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया रहता है, ठीक है, तो उसके डिफरेंस को देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा, ठीक है। इसका इसलिए मैंने ये बताया कि डिफरेंस हमेशा चेक करेंगे, डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर जैसे इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, ऐसा थोड़ी ना ये बढ़ेगा और ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:1, ठीक है 6:1 है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो विल बी 7:2, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ ए। तो इन क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट देखने से क्या होगा ना, जो इंसान पहले बताता है ना वो उसके दिमाग में रह जाता है, ठीक है। तो उस पर मैं लॉन्ग कट भी बता दूंगा, वैसे लॉन्ग कट से करने का मन करेगा नहीं आप लोगों को जब शॉर्टकट पता चल जाएगा। तो देखो, क्योंकि यार टाइम बचाना है अल्टीमेटली, क्वेश्चन को सब सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:1, 6:1 है प्रेजेंट एज जो ए और बी का रेशियो है। आफ्टर 10 10 ईयर्स, 10 साल के बाद द रेशियो विल बी 7:2। रेशियो क्या हो जाता है, 7:2। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, इसको किस तरीके से लिखेंगे ये देख लो आप। ए इज टू बी का रेशियो है वो 6:1 है, ठीक है। ए इज टू बी का जो रेशियो है वो 6:1 है, और 10 साल के बाद इसका रेशियो हो जाता है 7:2। 10 साल आफ्टर 10 ईयर्स बोला है, तो इसलिए यहाँ पे +10 होगा, 10 साल बाद 7:2 हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो अब क्या करना है, अब देखो डिफरेंस चेक करो, जिस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस हमने बताया था इक्वल होता है, ये इसलिए बताया था कि अब पता चलेगा क्यों बताया था। तो ए इज टू बी का देखो 6 और 1 का डिफरेंस क्या है, 5। 7 और 2 का डिफरेंस क्या है, 5। तो ये दोनों डिफरेंस देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, तभी अब इसमें क्या अप्लाई करना है, अब इसमें ये देखना है। देखो इसको कैसे करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बता रही है तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। यहाँ 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5। अब जैसे देखो पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 10 साल में 6 से 7 हुआ है, ए 6 से 7 हुआ है, तो एक बड़ा है 10 साल में, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रेजेंट एज बताओ, तो प्रेजेंट एज का ए का क्या है, 6:1 था रेशियो दिया हुआ, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:1, तो 6 है, तो 1 का 10 है, तो 6 का कितना होगा, 6 का हो जाएगा 10 × 6 इज इक्वल टू 60 ईयर। 1 का 10 हुआ, 1 का 10 कैसे हुआ, 1 साल बढ़ जाता है 10 साल में, ठीक है। ये बराबर होने की कोशिश कर रहा है, एक इक्वल टू होता है जिसका मतलब होता है बराबर है, एक ये होता है जो बराबर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 6 से 7 हुआ कितने साल में, 10 साल में, 6 से 7 मतलब 1 का इंक्रीज हुआ 10 साल में। तो 6 प्रेजेंट एज पूछा है, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स पूछता तो 7 लेते, तो 6 तो प्रेजेंट एज का 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 10 × 6 60 साल, ठीक है, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसका और देख लो दूसरा जो लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक था। अब लॉन्ग मेथड देखो, लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग मेथड देखो क्या है, ए का और बी का रेशियो क्या है, 6:1, तो ए को मान लो 6x और बी को मान लो x, ए को मान लिए 6x और बी को मान लिए x। अब देखो इसका रेशियो 10 साल बाद 7:2 हो जाता है, तो 6x में 10 जोड़े बाई x में 10 जोड़े, तो इसका रेशियो हो जाता है 7:2, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना लिया है इस क्वेश्चन से, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 जाएगा, 12x+20 इज इक्वल टू 7x+70, ठीक है ना। 12 में से 7 गया 3 5x, 70 में से 20 गया 50, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब प्रेजेंट एज ए का 6x और बी का x माने हैं, तो ए क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज जो होगा, क्योंकि 6:1 रेशियो है प्रेजेंट एज का जो यहाँ पे बताया मैंने आपको। अच्छे से समझो क्वेश्चन को, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 × x का वैल्यू क्या है, 10 आया, 10 इज इक्वल टू 60। अब बताओ एग्जाम में क्या करोगे आप, ये करोगे या ये करोगे, ये करना, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, इससे सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको, है ना, क्या ट्रिक कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड अप लगाए अप्लाई कर रहे हैं, किस में टाइम बच रहा है, किस में टाइम नहीं बच रहा है,
क्वेश्चन तो दोनों से सॉल्व हो रहा है। किस तरीके का क्वेश्चन आता है अब तो ये शुरुआत है, ठीक है, टाइप वन ही है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:3। तो क्या करना है भैया, ए इज टू बी लिख लेना, प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है 4:3। 10 ईयर अगो है, पिछले वाले क्वेश्चन में आफ्टर था, इसमें अगो है, मतलब 10 साल पहले। द रेशियो विल बी 3:2। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 10 साल पहले है तो -10, ठीक है। अब देखो एज जो है 10 ईयर अगो पूछा है, इसलिए -10 हो गया, और एज कभी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। एज को कभी भी हम थोड़ी ना बोलते हैं कि हम -2 साल के हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के, 10 साल के हैं, -15 साल के कभी बोलते हैं या 15 साल के बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ये ऐसे नहीं मानना मत मानो, मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 4 से 3 हुआ है, 4 से 3 हुआ, पिछले वाले में इंक्रीज हो रहा था, 6 से 7 हुआ था, इसमें 4 से 3 हो रहा है, तो ये -1 हुआ। -1 किसके इक्वेलेंट होने की कोशिश कर रहा है, -10 के, एक कम हुआ 10 साल में, पीछे के एक 10 साल में, तो माइनस से माइनस कट गया, पॉजिटिव हो गया, तो 1 का वैल्यू 10 है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है, तो ए का प्रेजेंट एज क्या है 4:3 में 4 है, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × 4 = 40 ईयर्स, ठीक है, क्लियर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद द रेशियो विल बी 3:2। तो फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड द सम ऑफ बोला है, वहाँ पीछे पहले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए सेपरेटली बोल रहा था, यहाँ बोला है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो ये मेथड तभी लगाना है जब इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो। देखो 4 और 3 का डिफरेंस क्या है 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस क्या है 1 है, तभी ये वाला मेथड अप्लाई हो सकता है, नहीं तो जो आपको लॉन्ग कट मेथड बताया वो अप्लाई करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें डिफरेंस इक्वल नहीं है, दिखाता हूँ। देखो ए इज टू बी लिख देना है, जैसे लिखते हो एग्जाम में यही करना है, फटाफट ए इज टू बी लिख दो। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 है, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो विल बी 3:2, 7 साल के बाद रेशियो क्या है 3:2, 7 साल के बाद। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अब देखो 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो इक्वल तो है नहीं ना। 5 और 3 का डिफरेंस करोगे, 5 और 3 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, इस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो भैया अब ये क्या बन गया, ये तो 5:3 ही रहेगा, ये क्या बन गया, जो यहाँ लिख दे रहा हूँ 5:3 जो नया मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ये क्या बन गया 6:4, ठीक है, 6:4 7 साल में हुआ है, ये जो नया आया है 8:2। अब देखो 5 और 3 का डिफरेंस 2 सही है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 सही है। अब ये इस मेथड को लगाएंगे, समझे, जहाँ पे इक्वल नहीं हुआ हम वहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, जो उनका डिफरेंस होगा उनसे अपोजिट वाले से, इस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इसके डिफरेंस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, समझे। अब फिर देखेंगे, चेक करेंगे तो 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, तो मतलब दोनों इक्वल है, तो वो मेथड लगा सकते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो देखो किसी का भी देख लो, 5 से 6 हुआ है, बी 3 से 4 हुआ, तो ए का पिछले बार बोल रहा था तो ए का देख ले रहे थे, अभी तो तुम आप किसी का देख लो क्योंकि सम पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का। तो 1 साल का इंक्रीज हुआ, चाहे ए का हुआ या बी का हुआ, 5 से 6 हुआ या 3 से 4 का हुआ, तो 1 साल एक इंक्रीज हुआ है 7 साल में, ठीक है, एक इंक्रीज हुआ है 7 साल में। तो बोला है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड बी, तो सम क्या हुआ, सिर्फ ए होता तो 5 होता, सिर्फ बी होता तो 3 होता, सम क्या हुआ 5 + 3 8 हुआ, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा
सेवन इंटू एट इज इक्वल टू 56। यस क्लियर। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? यहाँ पर बराबर थी डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस बराबर किया गया, डिफरेंस बराबर था नहीं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:1। ठीक है, 6 years earlier 6 साल पहले द रेशियो विल बी 3:1। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। चलो आप लोग भी बनाओ इसी इसी की तरह, पिछला क्वेश्चन भी मैंने बताया है, मैं भी बना रहा हूँ, पॉज कर लेना बाकी सॉल्यूशन देखने के लिए, प्ले कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे आप लोग सॉल्व करने चाहिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। देखो कुछ करना नहीं है, ए इज टू बी लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज टू बी क्या है? 2:1 है, 6 साल पहले तो -6, द रेशियो विल बी 3:1 है। तो फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, मतलब 2+1 का वैल्यू पूछा है। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है बराबर है कि नहीं, नहीं है तो उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 में से 1 गया तो आया 1, 3 में से 1 गया तो आया 2, तो इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नई वैल्यू देगी वो होगा 4:2, ये होगा 3:1, ये जो नया आया a:b -6 years में। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगो है। अब देखो 4 और 2 में का डिफरेंस 2, 3 और 1 का डिफरेंस 3 में से 1 गया 2, अब बराबर हो गया। इसी तरीके से बराबर करते हैं। ठीक है, अब 4 से 3 हुआ है तो -1 कम, समझे क्यों लिख रहे हैं? या एज कभी निगेटिव होता नहीं है तो पॉजिटिव ले लेना डायरेक्टली, 1 का वैल्यू 6 लिख देना, या फिर 4 से 3 हुआ तो 1 कम हुआ है, 1 कम हो गए कितने में, 6 साल में, तो 1 माइनस से माइनस कट गया तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 4+2 की वैल्यू 6 की वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, 4+2 6 होगा, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6 इज इक्वल टू 36 years। ठीक है, ये मत कर देना एक प्रेजेंट एज में 2+1 3 कर देना, नहीं भैया ये नहीं करना, जहाँ पे डिफरेंस इक्वल हो उसकी रेशियो लेनी है। ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना, और जिसने ट्राई किया होगा उसने सही बनाया होगा, यार समझा तो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अलग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द एज ऑफ अरविंद्स फादर इज 4 times हिज एज। जितना अरविंद के फादर का एज है वो अरविंद से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इफ 5 years ago 5 साल पहले फादर एज वॉज 7 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन, जितना उसके बेटे का एज है उसका 7 गुना ज़्यादा था 5 साल पहले, तो वाट इज़ अरविंद फादर प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज बताओ अरविंद के पिताजी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो दोनों तरीके से करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट मेथड से भी। पहले देखो लॉन्ग मेथड देख लो, लॉन्ग मेथड देखो, एक चीज याद रखो आप, जो भी स्मॉलर होता है, जो भी स्मॉलर होगा उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन और प्लस यूज करेंगे। ठीक है, जो भी स्मॉलर होगा, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, ये बताऊँगा क्यों बता रहा हूँ, स्मॉलर के लिए मल्टीप्लाई और प्लस यूज करेंगे। ठीक है, और बीगर के लिए हम डिवीजन और माइनस यूज करेंगे। स्मॉलर के लिए मल्टीप्लिकेशन और प्लस यूज करेंगे और बीगर के लिए डिवीजन और माइनस यूज करेंगे। ठीक है, ये क्यों बताया अभी बताऊंगा। अब देखो द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 times हीज एज, द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 times हीज एज, जितना अरविंद का एज है उसका 4 times उसके पिताजी का एज है। ठीक है, तो फादर और सन, एफ से फादर एस से सन, फादर इज इक्वल टू 4 times ऑफ सन। अब देखो बेटा छोटा है, बेटा स्मॉलर है तो मल्टीप्लीकेशन आता है, पिताजी बड़े हैं तो डिवीज़न आता है, इसलिए बताएं पिताजी के केस में हमेशा डिवीज़न और माइनस आएगा, बेटे के केस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन और प्लस आएगा,
तो ये चीज़ को गट बांध लो, ठीक है, यही होता है। तो ये हो गया इक्वेशन वन, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखो, लॉन्ग मेथड ये है भैया, एक एक लाइन पढ़ो लिखते जाओ। इफ 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, फादर एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। 5 साल पहले पिताजी का एज क्या होगा? एफ माइनस फाइव, और 7 टाइम्स है बेटे का एज क्या होगा? एस माइनस फाइव, के 7 गुना टाइम्स है। ये हो गया इक्वेशन टू। इक्वेशन वन से क्या है, फादर इज इक्वल टू 4 × सन, तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, एफ की जगह पे, तो 4 सन माइनस 5 इज इक्वल टू 7 सन माइनस 5, एस माइनस फाइव। मेरा एस और फाइव ना एक जैसा लगता है यार, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, ये एस है और ये फाइव है, ये 7 है, ठीक है। अब 4s में से ये हो गया 7s माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, 7s माइनस 35, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 4, इसको तो लिखा यही लिखेंगे 4s माइनस 5। अब माइनस फाइव +35 इज इक्वल टू 7s माइनस 4s, ये क्या हो गया, 3s इज इक्वल टू 30, 3s इज इक्वल टू 30, दैट इज s इज इक्वल टू 30/3, 10, एस की वैल्यू आ गई 10। फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, तो अगर एस 10 है तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो गया, एस की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दो, है ना, तो फादर हो गया 4 × 10 इज इक्वल टू 40, 4 × 10 इज इक्वल टू 40 साल, 40 ईयर्स। बेटा अगर 10 साल का है तो पिताजी 40 साल के हैं, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड देखो इस क्वेश्चन का कैसे है, वही जो पीछे बता रहा था उसी तरीके से, बस थोड़ा सा सोचना है शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक। देखो एक फादर लिख दो, एक सन लिख दो। अब बोला था एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम्स हिज एज, मान लो ये वाला उठाओ, फादर का एज क्या है 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। अब देखो फादर बाई सन इज इक्वल टू 4, नीचे में 1 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं फादर इज टू सन इज इक्वल टू 4:1, समझ गए, या डायरेक्ट लिखना आपसे, ये तो मैं बताया क्यों लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4:1, ठीक है, इसलिए लिखूंगा, ये बताया मैंने 4:1। जैसे ही कहेगा द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम्स हिज एज, तो बेटे का एज को 1 मानेंगे इसको, तो 1 का 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, इस तरीके से क्यों होता है ये मैंने यहाँ बताया, ठीक है। इफ 5 ईयर्स अगो फादर एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज एज ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 7 हो गया, कब, 4 साल पहले, ठीक है। तो वाट इज अरविंद फादर प्रेजेंट एज, ठीक है। अब देखो 4 से 1 का डिफरेंस, पहले डिफरेंस चेक करते हैं फिर मेथड लगाते हैं, 3 का डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस 3 का, इनका डिफरेंस 6 का आ रहा है भैया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इक्वल आएगा। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में आपस में अगर कट हो रहा होगा तो कट करके उसको छोटा कर लेंगे, ये तो हमें अंदाज़ा लगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, कितना का डिफरेंस कम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा देखो यहाँ पे 3 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो उसको काट के छोटा कर लेंगे, उससे कैलकुलेशन ईजी होता है, आ तो इससे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन ईजी होता है, तो शायद इससे आंसर गलत आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको छोटा कर लिया जाता है अगर कटने वाला हो तो। ये कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2:1, तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे, तो ये जो नया बनेगा ये क्या बनेगा, 8:2, ये वाला क्या बनेगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 7:1। अब देखो 8 और 2 का डिफरेंस
छः का, 7 और 1 का डिफरेंस 6 का, अब दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो अब बनी बात, तो 8 से 7 एक कम हुआ है -4 में, या एज को पॉजिटिव ले लो तो -1 की कमी हुई है 4 साल में, तो एक का वैल्यू 4 है। तो पापा जी का प्रेजेंट एज पूछा है, फादर्स प्रेजेंट एज पूछा है, तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4 है, 1 का वैल्यू, 1 मिनट, 5 साल में पूछा है, 4 साल में पूछा है, 5 ईयर्स अगो इफ फादर वाज 7 टाइम्स ऑफ इज एज ऑफ इज सन, व्हाट इज अरविंद फादर इफ 5 ईयर्स अगो, सॉरी 5 साल पहले पूछा है, ये 5 है भाई, सॉरी। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू 5 है, और पिताजी का प्रेजेंट रेशियो क्या है, 4 है, सॉरी क्या हो रहा है मुझे, ये पिताजी का प्रेजेंट रेशियो क्या है, 8 है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, जो इक्वल करने के बाद जो डिफरेंस को इक्वल दो वो वैल्यू लेना है रेशियो को। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट वाला है, ये 10 ईयर अगो वाला है, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 8 इज इक्वल टू 40। देख लो यहाँ भी 40 आया था, यहाँ भी 40 आया था, लेकिन ये चीज़ें समझे समझाने में मुझे टाइम लग गया, ये चीज़ पता होगी तो आप जल्दी से करके निकल जाओगे, यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस सकते हो, ये कुछ गलती हो सकती है छोटी मोटी, जब भी बिगर है जैसे पिताजी और बेटा को ले लो यहाँ पे, तो स्मॉलर चीज़ के लिए मल्टीप्लीकेशन और प्लस आता है, देख लो मल्टीप्लीकेशन आया पिताजी की कॉम्पेरिजन में बेटे को लिख रहे हैं तो, और बिगर चीज़ के लिए डिवाइड और माइनस होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ये डाल देना, क्वेश्चन नंबर तो मैं आज भी नहीं दे रहा हूँ यार, फिर भूल गया, चलो कोई नहीं, आप बता देना फादर वाले क्वेश्चन है, ऐसा करके बता देना, कुछ छोटा मोटा कुछ इसका लिख देना, ऐसा मैं समझ जाऊँगा कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद द एज ऑफ रमेश विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश, तो गुना ही रह जाता है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। ठीक है ना, ये रेशियोज में, तो रेशियोज में दोगुना चौगुना पॉसिबल है, नहीं तो किसी को लगे कि 10 साल पहले 4 टाइम्स था, अभी 2 टाइम्स हो गया, तो ये वैल्यूज रेशियो में। ठीक है ना, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्ट कर लो, एक रमेश है एक सुरेश है, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे करते हैं सिखाता हूँ, रमेश इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश, सुरेश अगर 1 है तो रमेश 4 हो गया। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स प्लस 10 साल, क्योंकि आफ्टर है, द एज ऑफ रमेश विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश, ट्वाइस है, अगर ये 1 है तो ये 2 हो। अब देखो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश बोला, तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो, देखो यहाँ कट नहीं रहा है कुछ, तो कटाएंगे नहीं, ये जो नया वैल्यू आएगा हमारा ये क्या आएगा, रमेश सुरेश का, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4:1 ही रहेगा, या 3 से करेंगे तो 6:3 होगा। अब देखो 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, ये भी डिफरेंस 3 है, अब डिफरेंस 3 है तो अब कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 4 से 6 हुआ है तो 2 का इंक्रीज हुआ है कितने में, 10 साल में, तो रमेश का एज क्या है प्रेजेंट 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से 6, 2 का इंक्रीज हुआ है 10 साल में, अच्छा 2 का इंक्रीज हुआ है 10 साल में, पहले 1 का इंक्रीज आ रहा था, अब 2 का इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज हुआ है 10 साल में। ठीक है, तो रुक जाओ, 2 का इंक्रीज हुआ है 10 साल में, सॉरी, तो 1 का इंक्रीज कितने में होगा, 10/2 5 में, तो 4 का इंक्रीज कितने में होगा, 5 × 4 20 ईयर्स में। ठीक है, तो रमेश का प्रेजेंट एज है 20। ठीक है, 2 का इंक्रीज हुआ 10 में, तो 1 का इंक्रीज हुआ 5 में, 1 का इंक्रीज हुआ 5 साल में, 2 का इंक्रीज अगर 10 में होता तो 1 का इंक्रीज 5 में, तो 1 का इंक्रीज 5 साल में होता है, तो 4 अगर रेशियो इसका है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 20 ईयर्स। क्लियर, चलो आते हैं थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन पे, दूसरा लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा नया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, करेंगे वैसे ही,
कमला गेट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले कमला की शादी हुई थी. टुडे हर एज इज 5/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. जो उसका शादी के टाइम में उम्र था उसका 5/4 times आज उम्र है प्रेजेंट पर. हिज सन इज 1/10 times हर एज. जो प्रेजेंट एज है उसके 1/10 times है उसका बेटा. तो फाइंड द एज ऑफ हर सन. ठीक है, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से करेंगे. मान लो शादी के समय कमला का मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका एज था एक्स. चलो लॉन्ग मीटेड से पहले करते हैं. लॉन्ग मीटेड ठीक है एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका एक्स एज था एक्स. ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना हो गया, 6 साल पहले शादी हुई थी तो प्रेजेंट में क्या हो गया, एक्स प्लस 6 हो गया. तो प्रेजेंट क्या हो गया, अभी के समय, अभी से 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो अभी क्या हो गया, एक्स प्लस 6. ठीक है, इतना क्लियर. अब बोल रहा है टुडे हर एज इज 5/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. जो शादी के समय उम्र थी उसकी वो 5/4 times था. जो अभी जो शादी के समय उम्र आज का जो उम्र एज है उसका वो 5/4 times है जो उसकी शादी के समय उम्र थी. तो 5/4 times जो मैरिज के टाइम एक्स एज थी, एक्स इज इक्वल टू जो अभी का एज है एक्स प्लस 6. 5/4 times है शादी के समय जो एज थी वो बराबर है अभी के एज के जो कि एक्स प्लस 6 है. ये क्वेश्चन कह रहा है वही लिख दिया हमने. लॉन्ग मेथड में हमने पहले भी बताया जो क्वेश्चन कहता है वो करते जाओ. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करोगे तो 5x = 4 उधर चला गया, 4x + 24. ठीक है, 4x + 24. 5x से 4x इधर गया माइनस एक्स हुआ, x = 24. ठीक है, तो शादी के समय उसकी उम्र थी 24 साल. शादी के समय उम्र थी उसकी 24 साल. ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज क्या होगा उसका, प्रेजेंट है x + 6. x की वैल्यू 24 है, 24 + 6 = 30 हो गया. प्रेजेंट एज हो गया उसका 30. अब उसका बेटा है, शादी से पहले तो होगा नहीं तो अब उसका बेटा है जो 1/10 times हर एज है. ठीक है, तो प्रेजेंट एज पे ही बेटा निकलेगा. तो प्रेजेंट एज है उसका 30 साल. तो अब उसका बेटा कह रहा है 1/10 times हर एज, मतलब प्रेजेंट एज ऐसा लिखा है समझ लेना, प्रेजेंट एज. बेटा शादी के टाइम पे तो होगा नहीं, शादी के बाद ही होगा बेटा. ठीक है ना, तो प्रेजेंट एज ही होगा, एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं होगा. तो प्रेजेंट एज क्या है, 30 साल है. इसका 1/10 times है उसके बेटे का उम्र. तो जो उसके बच्चे का उम्र है, सन का एज क्या हो गया, 30 का 1/10, ये हो गया 3 years. 3 साल का उसका बेटा है, 30 साल की वो खुद है. अभी वो 30 साल की खुद है और 3 साल का उसका बेटा है. ठीक है, क्लियर, समझ गए. अब इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है. देखो भैया इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है. देखो ये प्रेजेंट एज है, मान लो जैसे रेशियो राम श्याम लिख रहे थे उस तरह, और ये एट द टाइम ऑफ मैरिज है, एट द टाइम ऑफ एम से मैरिज लिख दो. ठीक है, मैरिज. अब देखो मान लो बोल रहा है कि 5/4, क्वेश्चन कह रहा है कि अमला गेट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले. ठीक है, 6 साल पहले. ठीक है, 6 साल पहले मैरिड हुआ था. और टुडे हर एज इज 5/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मान लो 1 था, तो आज 5/4 into 1 है, 5/4 हो गया.
अब ये 4 क्या होगा, उधर चला जाएगा, रेशियो में है तो ये 5:4 हो गया, समझे? ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब ये 6 साल में हुआ है, 5 से 4 मतलब एक कम अगो है 6 साल में माइनस में, तो ये एक कम हुआ है 6 साल में, ठीक है? तो पूछ रहा है बताओ उसका प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट की वैल्यू क्या है 5, तो एक की वैल्यू आ गई 6, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 6 × 5 = 30। समझे कैसे किए? 5/4 दिया हुआ था जी, 5/4 दिया हुआ है, मान लिए कि उसके शादी के टाइम पे एज है 1, तो प्रेजेंट क्या हो गया 5/4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ मैरिज था, तो 5/4 हो गया, 5/4 है 4 उधर चला गया, 5:4 हो गया, ठीक है? रेशियो में ऐसे लिख देते हैं। अब 5 से 4 एक कम हुआ है, अगो है तो 6 साल माइनस 6 साल होगा, है अगो का बताएं माइनस में होता है, वैसे भी एज हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता नहीं है, नहीं तो प्रूफ करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। 5 से 4 हुआ है माइनस कम, एक माइनस कम, -1 -6, तो एक की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू जो कि उसका प्रेजेंट एज बता रहा है कमला का, तो वो क्या होगा 6 × 5 = 30 years। अब बेटा 1/10 एज एज के, तो 30 का 1/10 कर दो = 3 years। बताओ एग्जाम में कौन सा सिलेक्शन दिलाएगा ये, ना है कि नहीं? बाकी क्वेश्चन देख लो आप फिर से, ये लॉन्ग मेथड है, पॉज कर लेना, और ये शॉर्ट मेथड। ओके क्लियर, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का है, करना वैसे ही है, कोशिश करो आप लोग भी, बाकी मैं बताता हूँ, पॉज कर लेना वीडियो। देखो, ए मैंस एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो, जो 10 साल पहले था उसका 150% है प्रेजेंट एज इज एक आदमी का, ठीक है? बट 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर, और 75% जो कि इसका 10 साल बाद होगा, ठीक है? अभी का जो एज है वो 75% है जो अभी से 10 साल बाद होगा उसका, तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बताओ ऐसे में उस आदमी का, 10 साल पहले अगर 150% है और 10 साल बाद अगर 75% है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आई होप सब सही समझ गए होंगे। देखो तो इस क्वेश्चन में किसी भी एक परसेंटेज को उठा लो, 2% है, एक 150% है, एक 75% है, इस पे नजरें जाना चाहिए, एक 150% है, एक 75% है। देखो बेसिकली एप्टीट्यूड में समझ के तो हर चीज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? लॉजिक पता रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार एक तरह के क्वेश्चन के टाइप रिपीट हो जाते हैं, तो लॉजिक इस क्वेश्चन का एक ही है कि 2% दिया हुआ है, एक बिफोर का है, एक आफ्टर का, कोई भी एक उठा लो, मैं कहता हूँ कोई भी एक परसेंट उठा लो, मान लो हम 50 150% उठाए, ठीक है? 150% को क्या लिख सकते हैं, 150/100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3/2 आ गया, ठीक है? अब ये 10 ईयर अगो दिया हुआ था, ठीक है? 10 ईयर अगो, तो ये प्रेजेंट लिख दो और ये 10 ईयर अगो लिख दो, 10 ईयर अगो लिख दो। अब अगर प्रेजेंट इसी तरह से करना है कि 3/150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो, ठीक है? तो 10 ईयर अगो अगर मान लो 1 है, तो प्रेजेंट क्या हो गया, 3/2 हो गया, बताया था ना पीछे, 150% ऑफ व्हाट 10 ईयर अगो, 3/2 हो गया। अब 3 का 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है? अब 3 ये कितने साल में हुआ, 10 साल में, समझे? अब 3 से 2 एक का चेंज हुआ, 10 साल 10 ईयर अगो है तो ये माइनस होगा, तो -1 का चेंज हुआ है -10 में, मतलब एक का चेंज 10 में प्लस हो गया, ठीक है? वैसे एज पॉजिटिव ही होता है। तो अब पूछ रहा है वाई व्हाट इज इस प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में क्या है, 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 3 = 30, समझे?
प्रेजेंट एज उसका है 30 साल उस आदमी का। या फिर मान लो कुछ लोग कहते हैं भैया 75% लेके दिखाओ, तो हम 75% भी लेते हैं, इधर कर दे रहा हूँ, समझ लेना आप समझने के ऊपर, 75%। तो इसको कहते हैं 75/100, 25 से सीधे कटा दो, 25 3 25 4, ये हो गया 3/4। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, और ये 10 ईयर आफ्टर है, 10 ईयर आफ्टर है। तो बोल रहा है कि जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है वो 75% है, व्हाट विल बी, इट विल बी आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर का मान लो 1 है, तो इसका 75% मतलब 3/4, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। अब 3 से 4 कितने में हुआ है, +10 में, तो एक बड़ा है 10 साल में, एक बड़ा है 10 साल में, तो प्रेजेंट में 3 है, तो 3 कितने में हो जाएगा, 10 × 3 = 30, यस, ये भी 30, यस। तो देखो कोई भी परसेंटेज ले लो, चाहे वो 150% या 75% है, ये आफ्टर का था, ये भी 4 का था, आंसर सेम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में इसी लॉजिक से करना है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो क्वेश्चन का कुछ हल्का सा लिख देना, मैं समझ जाऊँगा इस क्वेश्चन में डाउट है मैं फिर, या पर्सनली यार अपना नंबर भी दे दूँगा मैं, आप कॉल कर लेना। बाकी जो मुझे लगता है जहाँ मैं शेयर करता हूँ उन लोगों के पास मेरा नंबर होगा ही, ज़्यादा लोगों को तो मैं ऐसा शेयर करता नहीं, जो भी देखना, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगा, ठीक है ना। आप कॉल करके पूछ लेना, मैं समझा दूँगा, जिस तरीके से समझना चाहोगे समझ जाओगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द रेश इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 750 ईयर्स, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 750 ईयर्स, मान लो प्रेजेंट एज ऑफ ए डॉट बी का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो उसको दोनों मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड, यहाँ पे शॉर्ट मेथड, यहाँ पे लॉन्ग मेथड, क्योंकि यार कभी कभी ना हम शॉर्ट मेथड मिस कर देते हैं, तो लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए, टाइम लग जाए लेकिन क्या पता एक क्वेश्चन सिलेक्शन दिला के। देखो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 750 ईयर्स, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5, ए इज टू बी का रेशियो जो है 6:5, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो कैसे करेंगे, तो मान लो कि ए जो है हमारा वो 6x है और बी है हमारा 5x, ठीक है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, ये जो वन है इक्वेशन, तो 6x × 5x इज इक्वल टू 750, एक्स एक्स 6×5 = 30, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, जीरो से जीरो कट गया, ओ सॉरी एक्स काट दिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब ये 3 से 25 बार में 75 कट गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई √25, जो कि 5 देगी, समझ गए, जो कि 5 देगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो ए की वैल्यू कितनी होगी भैया, एक्स की वैल्यू, ए 6x था, बी 5x था, तो ए की वैल्यू हो गई 6 × 5 = 20, 6×5 = 30, सॉरी क्या हो रहा है, और बी की वैल्यू है 5 × 5 = 25, ठीक है। तो ए 30 है, बी 25 है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो ए और बी का डिफरेंस कितना होगा, ये 30 है 25 है, तो ए माइनस बी बताइए कितना होगा, 30 − 25 = 5 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड,
अब शॉर्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो दिया हुआ है प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 750, ए इज टू बी दिया हुआ है 6:5, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो है हमारा जो मैं करने जा रहा हूँ डायरेक्ट डिफरेंस देगा, इसमें ये करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट वैल्यू है बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो करना है, मतलब ये 1 की वैल्यू देगा जो कि डिफरेंस ही होगा हमारा, जो प्रोडक्ट है 750 और जो रेशियो है उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो ये है 6 × 5 6 × 5, और स्क्वायर रूट क्यों किए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, और अगर 3 है तो क्यूब रूट होगा, यहाँ पे ए और बी 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, अगर 3 है तो क्यूब रूट होगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, और अगर 3 है तो क्यूब रूट होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो 2 है तो स्क्वायर रूट, और अगर 3 है तो क्यूब रूट होगा, तो यहाँ पे 2 है इसलिए स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। 750 ये हो जाएगा आपको 750 बाय 6 × 5 = 30, 0 से 0 कट गया, ये 25 आ गया, स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है। तो ये जो दिया ना ये डायरेक्ट डिफरेंस की वैल्यू दे दिया हमें, जो 5 आया ना डायरेक्ट डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है इस केस में, तो 1 का वैल्यू जो 5 आया ये डायरेक्ट डिफरेंस किया है, ये नहीं कि मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे, मतलब इसका लॉजिक ही है कि ये जो प्रोडक्ट रेशियो डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज़, और अगर 2 है तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो मतलब 3 है तो क्यूब रूट, अगर कर देंगे तो जो ये आएगा ना वैल्यू डिफरेंस ही आएगा, तो देखो डायरेक्ट डिफरेंस 5 आ गया, यहाँ पे इतना किए तो 5 आया, तो ये सिलेक्शन देगा, ये है शॉर्ट ट्रिक। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, लेकिन आप पूछ लेना मुझसे, इस तरह के क्वेश्चन अभी और करवाता हूँ, फिर हो पाई क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आइए फिर देखते हैं। हाँ एक चीज़ जो मैं इस क्वेश्चन में भूल गया आप लोगों को बताना, देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट जो बताया शॉर्ट ट्रिक, यहाँ बोला है फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 क्यों किया है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत लोगों के मन में होगा। देखो ए इज टू बी का वैल्यू 6:5 है, 6 और डिफरेंस ही तो पूछा, तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू ही देगा ये स्क्वायर रूट, उसका प्रोडक्ट बाय वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो 2 है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 हो तो क्यूब रूट कर देंगे, प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो इंटू स्क्वायर रूट, और ये 1 इसलिए लिए मतलब ये डिफरेंस ही बता रहा, और हर क्वेश्चन में नहीं मिलता, आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, इस क्वेश्चन में हमारी किस्मत से डिफरेंस 1 आया है, और डिफरेंस 1 आया है उसकी वैल्यू 5 है, इसलिए हमारा डिफरेंस 5 हो गया, ठीक है। ये 1 वहाँ से आया, 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, और ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट वैल्यू है डिवाइड कर देंगे उसके प्रोडक्ट रेशियो से, और स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 2 है 3 है तो क्यूब रूट करेंगे, तो ये 1 की वैल्यू 5 आ गई है जो कि डिफरेंस ही है ए और बी का, इसलिए ये 5 यहाँ पे आंसर हुआ, और यहाँ पे लॉन्ग मेथड से 5 आंसर हुआ। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था रेशियो ऑफ फादर एंड सन एज इज 7:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इतना, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। रेशियो बोल रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, इसमें पूछ बोल रहा है कि रेशियो बताओ देयर एज का आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें सबसे पहले ए इज टू बी का वैल्यू है 7:4, ठीक है, और ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1008, ठीक है। अब 7 और 4 का डिफरेंस तो 3 है, 1 तो है नहीं, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो 1 के लिए ही है, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है 1 के लिए, पिछले क्वेश्चन में किस्मत से 1 आ गया था डिफरेंस, जो 6 और 5 था उसका डिफरेंस 1 आ गया था, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो 1 के लिए लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, 1 के लिए ये बताया हमने आपको कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वैल्यू जो है 1008
स्क्वायर रूट इसलिए इसकी 2 है, और बाई प्रोडक्ट रेशियो जो है उसका मल्टीप्लीकेशन 7 × 4 और स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो जब ये आप करोगे सॉल्व, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, रुक जाओ इसको काट ही देते हैं ना, तो 7 × 1 = 7, 3 × 7 गया 330, 7 × 4 = 28, 2 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, नहीं 4 × 3 = 12, 24 × 4 = 24, तो √36 का वैल्यू 6, तो इस एक का वैल्यू आया 6, तो 7 का वैल्यू 7 × 4, 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 × 6 = 42, 4 का वैल्यू क्या आएगा, 4 × 6 = 24, ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया है कि ये एक का वैल्यू देता है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट है जो हमारा, ये एक का ही वैल्यू देता है, एक का वैल्यू, पीछे वाले क्वेश्चन में किस्मत से एक था डिफरेंस हमारा, यहाँ पर डिफरेंस 3 है, ठीक है, और डिफरेंस पूछा भी नहीं है, डिफरेंस पूछा भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद उसका, अभी जैसे मान लो 42 है, ये नीचे 24 है ए और बी का, 6 साल बाद इसमें 6 साल जुड़ेगा, इसमें 6 साल जुड़ेगा, है ना, 6 साल बाद, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 30, तो अब इसको कटाओ, इसको आप कटाओगे तो 6 × 8 = 48 और 6 × 5 = 30, हमेशा उस नंबर को पकड़ो जिससे एक बार में कट जाए, तो 8/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा एक की वैल्यू देगा, एक का ये वैल्यू है 6, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है, तो 7 का वैल्यू क्या आएगा 42, 4 का वैल्यू क्या आएगा 24, ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, एक की वैल्यू जो हमने निकाला वो कितना आया था यहाँ से 6, तो 6 साल का वैल्यू जो है हमारा वो 1 है, 6 साल का वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। और रेशियो ऑफ फादर एंड सन इज क्या है, 7/4 है, 7/4 है, तो 6 साल बाद पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर, तो 6 का वैल्यू क्या है 1 है, तो रेशियो के टर्म में इसमें 1 प्लस कर दो, इसमें प्लस 1 कर दो, तो ये हो गया 8/5, अब देखो ये भी यही पे है, ये भी यही पे है, सिंपल एक की जो वैल्यू निकली है उतने साल का है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, 7 + 1 = 8 हो गया, 4 + 1 = 5 हो गया, समझे, एक ये कॉन्सेप्ट है, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, इससे कर देना। मान लो अगर 5 साल का पूछा होता तो यहाँ 6 साल की जगह पे 5 साल का पूछ दिया होता, तो देखो एक जो है हमारा एक का अंतर आया है, जो होता है हमेशा डिफरेंस देता है, एक का अंतर आया हमारा 6 साल में, तो 6 साल बाद क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 6 साल हमारा एक का अंतर ला रहा है, तो 6 साल बाद क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, इसलिए एक और एक जोड़ दिया इसमें, रेशियो टर्म्स में एक और एक बढ़ा दी, ये ही चीज़ यहाँ पे किया, ये समझ जाना चाहिए। अब मान लो अगर 5 साल का पूछता तो इसी क्वेश्चन में, अगर 5 साल का पूछता, 5 साल का, 5 साल का अगर पूछता, ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लो 6 साल में डिफरेंस है 1, 1 साल में डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/6, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 5/6, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक का मान 6 है, ठीक है, तो एक का मान है उसको नीचे डिनोमिनेटर में बैठाएंगे और जो पूछा है उसे न्यूमरेटर में बैठाएंगे, ठीक है, जो एक का मान है उसको डिनोमिनेटर में बैठा देंगे नीचे और जो पूछा है उसे न्यूमरेटर में बैठाएंगे, ठीक है। अब मान लो 5/6 है, तो पूछा किसका है, 5 साल का पूछा है, तो इसका पूछा है ये
पूछा है और ये एक का मान है, एक का मान है। तो हमने क्या बताया, जैसे यहाँ पे एक का मान 6 है, तो जो एक का मान है उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में बैठाएंगे और जो पूछा है उसे न्यूमरेटर में बैठाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो पूछा है उसको। तो डायरेक्टली देखो क्या हो सकता है, डायरेक्टली आप 5/6 लिख दो। देखो जो एक का मान है उसको नीचे लिख दिए, ठीक है, और जो पूछा है उसको ऊपर लिख दिए, तो इसको 5/6। इतना करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली एग्ज़ाम में। अगर 6 का पता है आपको तो 5 का निकालना है, तो 5/6 लिख दो। जो पूछा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक का मान 6 है, तो जो एक का मान है उसको डेनोमिनेटर में लिख दो, एक का मान 6 है उसको डेनोमिनेटर में लिख दिए, और जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में लिख दिए, 5/6 लिख दिए। अब सिंपल को इसमें जैसे एक का मान था 1, 6 का मान 6 साल का मान था 1, डिफरेंस आया था, तो एक एक जोड़ दिए। उसी तरीके से इसमें 7+5/6 कर देंगे और 4+5/6 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 7 6 42+5 47/6 हो जाएगा, ये 6 4 24 29/6 हो जाएगा, 6 6 6 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 47/29। इसकी रेशियो हो जाएगी जब ये 5 साल के लिए पूछेगा, 6 साल का दिया हो तो, और 5 साल का पूछ दे तो। ठीक है, क्लियर, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा डिफरेंस देता है, एक का डिफरेंस। ठीक है, 6 साल में एक का डिफरेंस आया, कितने साल में एक का डिफरेंस आता है वो निकालते हैं हम। पिछले क्वेश्चन में किस्मत से हमारा रेशियो का डिफरेंस भी एक था और ये भी डिफरेंस एक था, इसलिए आंसर वो 5 साल हो गया था। ठीक है, चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स। पिता और पुत्र का जो एज है उसका सम है 50 साल, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, ऑल्सो 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द फादर एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर इज टू सन का जो रेशियो था वो था 7:1, 7 टाइम्स ऑफ, बेटा अगर 1 है तो पापा 7 टाइम्स, ये पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ठीक है, तो 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो सम को भी 5 साल पहले का लेंगे। ठीक है, तो 5 साल पहले पापा का भी उम्र 5 साल कम होगा, बेटे का भी उम्र 5 साल कम होगा, पिताजी भी 5 साल कम होगा उम्र 5 साल पहले, बेटे का भी 5 साल उम्र कम होगा 5 साल पहले। ऐसा तो नहीं कि इनका 10 कम होगा इनका 5 होगा, ऐसा नहीं होता ना। स्टार्टिंग में ही मैंने इसलिए ये चीज़ को क्लियर किया था। तो अगर इसमें से 5 घटेगा और इसमें से 5 घटेगा, तो टोटल 50 में से 10 घटेगा, तो 5 साल पहले हो गया फादर प्लस सन का सम जो हो गया 40 - 50 - 10 = 40। और फादर इज टू सन का रेशियो जो दिया हुआ है 5 साल पहले का, वो 7:1 दिया हुआ। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर पूछ रहा है, तो फादर का एज निकालना है। रेशियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, 7 फादर का 7 है, 7+1 टोटल कितना है 8, इंटू सम क्या है 40, तो 8 5 = 40, 7 5 = 35। ये 5 साल पहले का 35 है, तो प्रेजेंट एज पूछा है फादर का, तो 35 में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 ईयर्स प्रेजेंट एज है। 5 ईयर्स अगो पूछता तो 35 आंसर होता, अभी का पूछा है मतलब 5 साल पहले का हम ये निकाले हैं रेशियो और ये जो एज है दोनों का एडिशन, अभी का पूछा है तो 35 में प्लस 5 कर देंगे तो 40 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद, बता दूंगा आपको कैसे लगता है। किसी एक का निकालना, जैसे मान लो यहाँ पे बेटे का निकालना होता, अभी के लिए जान लो, तो 1 ऊपर लिखते हैं और नीचे सम को ऐड करके 8 लिखते हैं, जो टोटल सम है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, 8 5 = 40, तो बेटे का 5 आ जाता। और 5 और वो 5 साल पहले और अभी अगर का निकालते तो 5 इसमें जोड़ करके 10 ईयर्स हो जाता। इस तरीके से ये काम करता है ये वाला। ठीक है, तो 40 ईयर्स आंसर है फादर का एज का, ये तो मैंने बस बताया है। रेशियो प्रोपोर्शन में बता दूंगा मैं, आप परेशान मत होना।
फिर मैंने इतना बता दिया कि समझ में आ जाएगा, किसका जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं, टोटल सम को नीचे करते हैं, और जो उनका टोटल सम यहाँ पे है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 56 ईयर्स। तो इसको आप भी करो ट्राई, बता चुका हूँ मैं पीछे, उसी तरीके से होगा, फादर प्लस सन का जो एज है वो 56 ईयर्स है। ठीक है, ऑल्सो आफ्टर 4 ईयर्स द फादर एज वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 3 साल बाद प्लस 3 ईयर्स फादर का एज जो है 3:1 है, मतलब अगर ये 1 है तो 3 हो गया, 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, बता चुका हूँ पीछे। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो जो सम भी लेंगे वो भी 4 साल बाद का लेंगे, तो 4 साल बाद इनका भी 4 साल बढ़ेगा, इनका भी 4 साल बढ़ेगा, टोटल 8 साल बढ़ेगा। तो 56 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 भरा है इसमें 4 फादर का है और 4 सन का है। अब इस 64 का रेशियो ये है 3:1, तो ये फादर प्लस सन जो है ये 64 है और इसका रेशियो है 3:1। ठीक है, जो कि 3 साल में 3 टाइम्स है, मतलब सॉरी 4 साल में बढ़ा है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो अब देख लो 64 अब निकालना किसका है, फादर का निकालना है। तो फादर के लिए ऊपर 3, नीचे 3+1 4 इंटू फादर प्लस सन 64। ठीक है, इंटू 3+1 64, ये हो गया 4, 16 जा और 16 3 जा 48। लेकिन बोला है प्रेजेंट निकालने का, हम 4 साल बाद का निकाले हैं, पहले क्या कर रहे थे हम, पहले का निकाले थे तो उसमें ऐड किए थे, ये बाद का निकाले हैं तो इसमें माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस कितना करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो प्रेजेंट पे एज निकलेगा, पिताजी का एज प्रेजेंट पे आ जाएगा, ये 4 साल बाद का निकला हुआ है तो प्रेजेंट पे निकालने के लिए 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 44 ईयर्स जो है उनका प्रेजेंट हो जाएगा। बेटे का बोलता तो क्या करते, ऊपर 1 लिखते, नीचे 3+1 4 लिखते और इंटू 64 लिखते, 4 64 का क्या होता, 16 होता। ठीक है, और 16 इंटू 16 होता है उसका बेटे का एज, और 4 साल पहले का होता तो 4 साल माइनस हो जाता और 12 ईयर्स होता। ये मैं बता रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का चीज़ है, बता दूँगा। ठीक है, क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ईयर हेंस, ठीक है 15 साल पहले, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी बट 5 ईयर अगो, हेंस मतलब आफ्टर, सॉरी 15 ईयर आफ्टर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है बट 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले ए वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तो फिर उनकी एज उसका डिफरेंस निकालो। सिंपल जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा नया तरीका का क्वेश्चन है, न्यू स्टाइल का है, करना क्या है देखो, ए इज टू बी है, ठीक है 15 ईयर एज ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, मतलब अगर ए बी 1 है तो ये 2 है, कब 15 साल बाद। ठीक है, और बट 5 ईयर अगो ए वाज, 5 साल पहले ए वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, मतलब बी अगर 1 है तो ए 4 है। क्या बताया था मैंने कि डिफरेंस चेक करो, 2 और 1 का डिफरेंस क्या है, 1 4 और 1 का 3 है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे 2 में से बन गया 1 से। ठीक है, तो ये हो गया 6:3, ये जो नया रेशियो बना ए इज टू बी का क्या आया, 6:3, ये आ गया 4:1। अब डिफरेंस दोनों इन दोनों का भी क्या है, 3 है, इन दोनों का भी 3 है। ठीक है, इक्वल। अब देखो क्या करना है, अब 6 से 4 हुआ है, 2 का चेंज हुआ है, 6 से 4 हुआ है, 2 का चेंज हुआ है हमारा, 2 का चेंज हुआ है हमारा कितने साल में, ये कैसे निकालेंगे। देखो जब भी अपोजिट साइन होता है ना तो ऐड कर देते हैं, 15+5 20, तो 2 का चेंज हुआ है हमारा 20 साल में, तो 1 का चेंज हुआ हमारा 10 साल में। ठीक है, 1 का चेंज हुआ हमारा 10 साल में, तो बोला है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज, डिफरेंस कितना है, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 4 1 का डिफरेंस 3, तो दोनों का डिफरेंस तो 3 ही है, इक्वल है, किसी का भी ले लो ये हो, तो 3 का क्या हो जाएगा वैल्यू, 10 × 3 = 30। अच्छा
एक चीज जान लो, बहुत लोगों को अभी मन में होगा कि 15 प्लस 15 है, -5 है, अपोजिट साइन वाले को हम ऐड करने क्यों बोल रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो अपोजिट साइन होगा वो ऐड होगा और जो सेम साइन होगा वो माइनस होगा, ये हम क्यों बोल रहे हैं इसको समझाते हैं। ठीक है, मान लो अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा, 2020 चल रहा है, ठीक है, कुछ सालों बाद 2034 होगा, कुछ साल पहले वाले होगा 2000, कितना हो जाएगा, 2034 होगा, और कुछ दिन बाद होगा हमारा, मान लो अभी 2019 चल रहा है, ठीक है, और कुछ साल पहले था हमारा 2014, और कुछ साल बाद होगा 2034, तो प्रेजेंट एज 2019 का ही है, ठीक है, प्रेजेंट एज जो है हमारा, ये प्रेजेंट एज जो है ये 2019 का है, ठीक है। अब 5 साल पहले क्या होगा, 2014, और 15 साल बाद क्या होगा, 2034, तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस। तो जो 5 साल पहले होगा और जो 15 साल बाद होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसको ये जो यहाँ से यहाँ तक है और जो यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों जोड़ोगे तभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकलेगा। 2014 से 2034 तक का डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक है एज, और जो यहाँ से यहाँ तक है, तभी तो इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तभी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे, तभी तो 2014 से 2034 पे पहुँचोगे, तभी यहाँ पे अपोजिट साइन वाले को हमने ऐड कर दिया, और सेम साइन रहता तो टोटल में से इतना माइनस कर देते तो इतने का ही निकालना होता है, इसलिए सेम साइन का निगेटिव होता है, अपोजिट साइन का एडिशन होता है। मान लो 2019 चल रहा है प्रेजेंट में और 5 साल पहले 2014 था, 5 ईयर्स अगो बोला इसलिए 2014 लिए हैं, 15 साल बाद 2034 आएगा, तो बोला कि डिफरेंस बताओ, तो 2034 से 2014 का डिफरेंस निकालने के लिए तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है उसको टोटल कितना ईयर लग गया, 2034 से 14 होने में 20 साल लग गए, ये वाला और ये वाला जुड़ा, इसलिए यहाँ पे ऐड किए हैं, 2014 से 2034 होने में 20 साल लगे, तो जो 2 का चेंज आया कितने साल में आया, 20 में आया है, क्योंकि इसको हम ऐड किए, क्योंकि इधर का डिफरेंस है, इधर का डिफरेंस है, टोटल ऐड करेंगे, प्रेजेंट हमारा ये है, समझ गया क्यों ऐड किया। और वही अगर सेम साइन होता तो निगेटिव माइनस कर देते, क्योंकि दोनों एक ही तरफ होता तो उसमें से उतना को घटा के फिर उतना का निकालना होता, ये लॉजिक है, लॉजिक। इस चीज़ में मुझे भी डाउट हुआ था जब मैं पढ़ रहा था, तो फिर मैंने इसको समझने की कोशिश की और आपको बता दिया, ठीक है, तो क्लियर क्यों यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस इतने सालों में आया, तो 2 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 10, और डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ए और बी का निकालो, यहाँ इक्वल कर चुके हैं तभी ये कॉन्सेप्ट लगाते, तो 3 का वैल्यू हो गया 10 × 3 = 30, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, 10 ईयर अगो ए विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप भी करो, बता चुका हूँ मैं, यहाँ सेम साइन आएगा, सेम साइन में क्या करना है, घटा देना है, अपोजिट साइन में जोड़ देना है, सेम साइन में घटा देना है, शायद अपोजिट ही साइन है, अगो और आफ्टर है ना, हाँ आफ्टर है और अगो है। 10 ईयर अगो ए विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, तो 10 साल पहले, अगर ये 1 है तो ये 4 है, बट आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद 2 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, ठीक है, ये हो गया, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस ए और बी का, तो 4 और 1 का डिफरेंस क्या है, 3, 2 और 1 का 1 है, इनका डिफरेंस है 3, इनका डिफरेंस है 1, तो इस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल करते हैं, और इस 3 से यहाँ कर दो, तो जो नया डिफरेंस हमारा बन के आएगा वो क्या आएगा, ए और बी का, ये होगा 4:1, ये होगा 6:3, अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, दोनों जगह बराबर हो गया, 10 साल पहले था ये 10 साल बाद है, तो 4 से 6 2 का डिफरेंस आया, अपोजिट साइन ऐड होता है, क्यों होता है मैंने बता दिया है, अपोजिट साइन ऐड होता है, तो ये 2 का डिफरेंस 20 साल में आया, तो 1 का डिफरेंस 10 साल में आया, ठीक है, वो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 30, क्योंकि डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 3 है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट, अगर ये डाउट होगा कि ये ऐड फिर क्यों किए, तो पीछे वाला देख लेना क्वेश्चन, उसमें बता दिया है मैंने कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैं अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ इस चैप्टर का,
इस क्वेश्चन में मैं खुद भी दो बार फंस चुका हूँ, ठीक है ना। क्या गलती करता था मैं बताऊंगा आपको। ये कह रहा है फादर्स एज इज़ 4 times एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children, ठीक है। ये फादर है और इसका इनका 3 बच्चा है, C1, C2 और C3। तो इनका एज जो है 4 times है एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children। इनका एज है 4 times एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children, ठीक है। मान लो 3 children का एज अगर 1 है तो इसका एज है 4 times, ठीक है। मैं गलती कर चुका हूँ लेकिन मैं जानबूझ के वो गलती फिर से कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। बट 6 years हैंस हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। लेकिन 6 साल बाद बट 6 years हैंस इज 4 times एज मच एज द सम ऑफ देयर एजेस, बट 6 years हैंस 6 साल बाद हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस। डबल होता है जो सम ऑफ देयर एजेस है, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, ठीक है ना। तो सुनो क्या करना है। अब देखो हमने जो यहाँ पे 1 लिया ना, ये गलत लिया। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का अगर 1 यूनिट होता है तो 1 बच्चे का कितना होगा? 3 बच्चे का अगर 1 यूनिट है तो 1 बच्चे का होता है 1/3, ठीक है। 1/3, 3 बच्चे का 1 यूनिट अगर होता है तो 1 बच्चे का 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 का, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है? 1/3 लेना है। C1 + C2 + C3। तो ये कह रहा है कि इफ़ ए फादर एज इज 4 times एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children। मतलब 3 बच्चे का एज को 1 माना है हमने, ठीक है। लेकिन 1 यूनिट हमेशा 1 लेते हैं, 1 यूनिट टोटल सी का यूनिट लेंगे, 1 यूनिट। तो 3 बच्चों का 1 यूनिट है तो 1 बच्चे का 1/3 यूनिट होगा। तो ये 1/3 1 के टर्म्स में लेते हैं, ये भी 1/3। और इस 1 का ही 4 times है, इस 1 का ही 2 times, इसलिए यहाँ 2 और यहाँ 1 ही होगा। अब देखो 6 साल बाद हुआ है ये, ठीक है। ये 1/3 1/3 मैं नहीं लेता था, 1 1 लेके सॉल्व करता था और मेरा हमेशा क्वेश्चन गलत होता था क्योंकि ये 3 बच्चे का 1 यूनिट है, 3 बच्चे का 1 यूनिट है, 1 बच्चे का 1/3 होगा, ठीक है। तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 इस वाले के लिए क्या होगा? 12 और ये होगा 1, 4 3 12 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 1। अब 12 और 1 का डिफरेंस क्या है? 6 साल बाद ये 11, इसका क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे 11 से डिफरेंस बराबर करते हैं, तो डिफरेंस बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60:5। ये क्या हो जाएगा? 66:11। इनका डिफरेंस 55 है और इनका डिफरेंस 55 है, ठीक है। इनका डिफरेंस भी 55 है और इनका डिफरेंस भी 55 है। अब डिफरेंस हमारा इक्वल हो गया, अब डिफरेंस हमारा इक्वल हो गया। और 60 से 66 का 6 का चेंज हुआ है 6 साल में, तो 1 का चेंज हुआ 1 में, तो 55 का चेंज हुआ 55 साल में। 55 का चेंज नहीं है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बोल रहा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हुआ? पिताजी 4 साल में कैसे हो जाएंगे? फिर गलती हो रहा है, 1 मिनट। डिफरेंस सुनो सुनो, फादर ए फादर्स एज इज 4 times एज मच एज द सम ऑफ हिज एज इज 3 children, ठीक है। तीनों बच्चों का एज 1 है तो 3 यूनिट का 1 है तो 1 यूनिट का 1/3 हो गया, फादर 4 है। इस 1 का ये डबल हो गया 2, तो ये 1/3 है 6 साल में। ये 12 आया, 11 आया, 5 आया, ठीक है। 60 आया, 5 आया, 66 आया और ये 11 आया 6 साल बाद में, ठीक है। 6 साल बाद में 66 आया और ये 11 आया, ठीक है। 6 साल बाद में ये 66 आया और ये 11 आया, ठीक है। अब फादर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, हाँ ठीक तो है। 6 का वैल्यू 6 है, 6 साल में 6 साल बड़ा है, 6 साल में 6 बड़ा है, 6 साल में 6 बड़ा है, तो 1 का 1 हो गया। तो
तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, 60 है, तो 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 60 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। समझे गलती क्या हो रही थी, गलती हमने क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे अगर 1 ले लेंगे ना तो पापा और बच्चे का एज निगेटिव वगैरह में शायद आ जाता है, जो कभी हो ही नहीं सकता है, एज कभी निगेटिव होता है, कभी लेके देखना सॉल्व करना। ये 1/3 क्यों होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक यूनिट लेके चलते हैं, एक सिंगल यूनिट, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चों का यूनिट लेना है, ये सिंगल एक एक जो आया सिंगल आया, तो 3 बच्चे का एक यूनिट है, तो एक बच्चे का क्या होगा 1/3, 3 बच्चे का एक यूनिट है तो एक बच्चे का क्या होगा 1/3 होगा, और 6 साल बाद, और ये 1/3 का 4 टाइम्स नहीं होगा, ये 1 का ही 4 टाइम्स होगा, क्योंकि ये कह रहा है तीनों का सम है 1, तीनों का सम 1 है, तो एक का सम क्या होगा 1/3 होगा, तो तीनों के सम का 4 टाइम्स है, इसलिए 1 का 4 टाइम्स होगा, तीनों के सम का 2 टाइम्स है 6 साल बाद, इसलिए 1 का 2 टाइम्स होगा, ये 1/3, बाद में इसको 1/3 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट लेना है, 3 बच्चे का 3 का सम 1 है, तो 1 का क्या होगा 1/3 होगा, एक यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है ना, हमेशा यहाँ पे एक यूनिट लेके चलते हैं, 3 का 3 दिया हुआ है ना, 3 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हमको 1 का लेना है, जो 1 है वो 3 का वैल्यू है, हमको 1 का लेना है, इसलिए यहाँ पे 1/3 लिया है, यहाँ पे 1/3 लिया, और आंसर आया हमारा फादर का एज का 60 ईयर्स। इसको देखो एग्जाम में लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बताते हैं कैसे करना है, यहाँ पे बता देता हूँ, देखो लॉन्ग मेथड, फादर एज इज 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, ठीक है, फादर का एज है 4 टाइम्स एज मच एज तीनों बच्चे हैं C1+C2+C3 यानी सम का, ठीक है, ये हो गया, और बट 6 ईयर हेंस हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस, 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद, तो ये तो 6 साल बाद का बोल रहा है ना, तो फ़ोन ऑफ हो गया था यार, उसको फिर से स्टार्ट किया, चलो कोई नहीं, करते हैं, फादर एज इज 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, फादर का एज 4 टाइम्स है जितना उन तीनों के बेटों का एज का 4 टाइम्स है पिताजी का एज, ठीक है, बट 6 ईयर हेंस 6 साल बाद हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस, 6 साल बाद इसका फादर का एज है F+6 और डबल द एज ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, तो 6 साल बाद डबल होता है तो 6-6 साल इन तीनों का भी तो बढ़ेगा, तो C1+6+C2+6+C3+6 6 साल इनका भी बढ़ेगा, 6 साल इसका भी बढ़ेगा, 6 साल इसका भी बढ़ेगा, इसका डबल है 6 साल बाद जो पिताजी का एज होगा, पिताजी का 6 साल बाद अगर उम्र बढ़ता है तो बच्चों का भी तो उम्र 6-6 साल बढ़ेगा, वो उसका डबल है, ठीक है, लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं हम, तो ये हो गया F+6 इज इक्वल टू 2 C1+C2+C3+6, 6, 6, 6, 18, ठीक है, तो C1+C2+C3 का वैल्यू क्या है, F/4 हो सकता है अगर इस 4 को इधर ले जाए तो, ठीक है, तो C1+C2+C3 का वैल्यू F/4 हो सकता है, तो F+6 इज इक्वल टू 2 F/4, इसके जगह पे ये वाला रख दिए, +18, डैट इज F+6 इज इक्वल टू 2F/4, अंदर ले जाओ, +18 × 2 = 36, 2 × 2 = 4, ठीक है, और F-F/2 इज इक्वल टू 36 - 6, तो ये हो जाएगा 2F-FF/2 इज इक्वल टू 30, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 60 ईयर्स, तो फादर का एज आ गया 60 साल, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है। चलो ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं, उसके साथ ही आपका प्रॉब्लम्स फ्रॉम एजेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो बुक्स हैं KD कैंपस हो गया पारामाउंट, आप उसके क्वेश्चंस लगाना, कोई दिक्कत हो तो नंबर मेरा मेंशन हो जाएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके पूछ लेना, ठीक है, वैसे मैं सॉल्व करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस भी डालूंगा, पहले सारे थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर दूं। तो आइए फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि प्रैक्टिस करिए,
जो भी बुक्स वगैरह हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, हर तरह का क्वेश्चन इसमें हो ही गया है। और ट्रिक्स को पकड़िए यार, मेनली मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि ट्रिक्स पकड़िए। सो लॉन्ग वेटेड से तो आप लोग भी बना लेते होंगे, ठीक है ना, फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा नहीं तो वीडियो बनाने का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है सी एज इज़ ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ ए बी सी, ठीक है, सी का एज ट्वाइस है एवरेज एज ऑफ ए बी सी का, ठीक है, और ए एज इज़ वन हाफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो इफ बी इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, अगर बी 5 साल का है तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। देखिए इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट मेथड हो गया, एक तो लॉन्ग मेथड हो गया। इसमें कह रहा है कि ए बी और सी का एज जो है ट्वाइस है, सी का एज जो है ट्वाइस है एवरेज एज ऑफ ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी एवरेज कैसे निकालते हैं, 3/3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये इसका एवरेज हो गया, इसके ट्वाइस है सी का एज। बी का एज दिया हुआ है 5 ईयर ओल्ड, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 5, तो ये एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद कह रहा है ए का एज जो है 1/2 द एवरेज एज ऑफ बी ए बी सी। तो एवरेज एज ए बी सी का क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और इसका 1/2 मतलब 1/2। तो ए का जो एज हो गया वो हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 6। तो अब बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इससे दो इक्वेशन बन गया। और फिर इससे हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर इसका एवरेज कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, इसको जानना नहीं है क्योंकि ये यार फिर दिमाग में बैठ जाता है। शॉर्टकट मेथड देखो, इसको सॉल्व कर देना है, इस इक्वेशन को दिक्कत होगी तो फिर मैं बता दूंगा, वैसे इसको जानने की ज़रूरत नहीं जो मैं अब बताने वाला हूँ। उसको जानने के बाद मान लो कि ए बी सी का एवरेज एक्स है, ठीक है, एक ए है एक बी है एक सी है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना भाई मत बच। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इन तीनों का एवरेज है। अब क्या कह रहा है, इसको लिख लो, एवरेज ऑफ ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें कह रहा था इफ़ सी एज इज ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो एवरेज एज एक्स दिखा रहा है एवरेज एज ए बी सी का, इसका ट्वाइस है सी, तो अगर ये एवरेज 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ये 1 है तो ये 2 है, और ए इज 1/2 द एवरेज एज ऑफ ए बी सी, तो अगर ये 1 है तो ए का एज क्या है, 1/2 है, ठीक है, 1/2। और तो ये बी इज 5 ईयर ओल्ड, अब बी कह रहा है बी अगर 5 साल ओल्ड है, 5 साल का बी का एज जो है 5 साल है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, बी का उम्र अगर 5 साल है तो एवरेज बताओ ए बी सी का। तो देखो पहले इस 2 को सही से लिखो, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2 2 2 4 2 और ये 1। अब क्या है, एवरेज हमारे पास 2 है, ध्यान से सुनना, एवरेज 2 है, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो बी की ऐसी क्या वैल्यू होगी, बी की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो एवरेज ए बी सी का 2 आ जाए। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 आ रही है, तो इस 2 को लाने के लिए ए अगर 4 है, ए अगर 1 है, सी अगर 4 है, तो 4 प्लस 1 यहाँ पे क्या ऐसा रखेंगे जिसको 3 से डिवाइड करें तो 2 आ जाए, यहाँ पे क्या ऐसा रखेंगे जिसको 3 से डिवाइड करें तो 2 आ जाए, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 1 हो गई, समझे। और इस 1 का बी इज 5 ईयर्स ओल्ड, इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, और पूछ क्या रहा है एवरेजेस ऑफ ए बी सी, एवरेजेस किसको माने हैं, 2 को माने हैं, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो एवरेजेस ऑफ ए बी सी क्या हो गया, 10। इसको आप चेक करने के लिए भी मैंने बता दिया, ए बी प्लस सी रख दो, और वैसे भी अब देखो इसको चेक करना है तो इसको अगर चेक करना है तो देखो क्या करना है, मान लो ए प्लस बी प्लस चेक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 = x है, ए 1 है प्लस बी प्लस सी क्या है 4 है बाई 3 = एवरेज क्या है 2 है,
ठीक है, 5 + b = 6 है, तो b = क्या हो गया, 1 आ गया। अभी 1 उसी 1 को यहाँ पे रखे थे, और इस 1 का वैल्यू 5 साल था, तो 1 का वैल्यू, मम्मी चिल्ला रही है, 1 का वैल्यू 5 है, तो बोल नहीं सकता वीडियो के बीच में। 1 का वैल्यू 5 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन लगाना, इसका कोई दूसरा टाइप नहीं आने वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम सो नहीं इज। ठीक है, और आई होप कि क्वारंटाइन का फ़ायदा उठा रहे हो। अगर क्वारंटाइन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, इसमें भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं से कमी है। मैंने ऐसा कोटेशन भी पढ़ा था कि यू लैक डिसिप्लिन, अगर आप क्वारंटाइन के टाइम में भी अगर आपको समय मिल रहा है तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। और एग्जामिनेशन का डेट्स आ गया है, शायद सितंबर वगैरह में है, तो यार लग जाओ कस के, मैं जितने शॉर्ट ट्रिक्स जानता हूँ वो आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।